फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को 6 इयर्स के बाद लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विंडोज 11 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और किस टाइप के इसके डिजाइन होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर और इसके जो विंडोज 11 के फीचर है उसके बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये कुछ कुछ मैक ओएस की तरह देखा जा सकता है, जहां पर दोस्तों यहां पर स्टार्ट मेनू और टास्क बार मेनू सेंटर में दिया गया है। और जो दोस्तों ये स्टार्ट मेनू विंडोज 10 में थे वो यहां पर कॉर्नर में दी जाती थी। आगे ये भी बताया जा रहा है कि इसमें दोस्तों आपको विजिट्स देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों ये जो विंडोज 11 है ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये गेमिंग के लिए काफी कंफर्टेबल है, मतलब कि अगर आप एक गेमर्स हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर दोस्तों HDR देखने को मिलेगा जिसके कारण आपके जो गेम फंसते हैं वो आपके गेम कभी नहीं फंस पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो मीटिंग्स होते हैं जूम कॉल्स वगैरह का या गूगल मीट का, तो यहाँ पर आपको एक अलग से मेनू देखने को मिल जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेंशन किया है। और जैसा कि आपको बता दो दोस्तों कि ये जो विंडोज 10 यूजर हैं उनको ये फ्री में दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अगर विंडोज 8 यूजर हो तो आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी। आपको दोस्तों अगर 8 यूजर हो विंडोज के तो आप पहले उसे 10 में अपग्रेड कराएं, फिर उसके बाद दोस्तों आप 10 से 11 में आसानी से फ्री में आपको ये जो चीज है मिल जाएगी। और जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये चेक फॉर कंपेटिबिलिटी का एक लिंक यहाँ दिया गया था, जिसके द्वारा आप डाउनलोड करके इसकी कंपेटिबिलिटी को चेक कर सकते थे कि आपका जो पीसी है वो विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल है या नहीं। तो वो जो दोस्तों सॉफ्टवेयर का लिंक था उसे अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हटा दिया गया है कुछ गड़बड़ी के कारण। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर कमिंग सून दिखाया जा रहा है, और ये जैसे ही आएगा यहाँ पर दोस्तों ये फिर से वो लिंक डिस्प्ले होने लगेगा। तो दोस्तों ये अब कब आएगा लिंक, ये उनकी तरफ से कोई न्यूज जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोस्तों लिंक है ये 3 से 4 दिन तक वर्क किया है, उसके बाद से इन्होंने हटा दिया है। तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा अभी 3-4 दिनों के लिए, उसके बाद लिंक जो है वर्क करने लगेगा, उसके बाद आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।